भाजपा संगठन द्वारा लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने बूथ को मजबूत करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते बागली विधानसभा के उदयनगर पुंजापुरा चापड़ा में बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने बूथ को मजबूत कर जीत दिलाने का संकल्प दिलाया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पता रहेगा तो गांव में खुशहाली होगी, गांव में खुशहाली होगी तो मजदूर को रोजगार मिलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा तो मार्केट में रौनक रहेगी और इसी दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी देते और 4,000 रुपए मुख्यमंत्री। हमारे कोई भी काम बचा है या किसी का काम वे नहीं कर पाया तो हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं आप हमें बताएं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा उसके भी लिए मैं हर संभव आपके बीच में हूँ। और साथियों, हमारा पूरा क्षेत्र सिंचाई में जुड़ गया है और सिंचाई से हमारा क्षेत्र 24 घंटे हरा भरा रहेगा। इस पार्टी के हाथ तक पहुंचा है और ये हमारे स्वर्गीय नेता कैलाश जोशी जी की कर्मभूमि रही है, हमारे स्वर्गीय नेता नंदू रिया की कर्मभूमि रही है और यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ विजय महासंकल्प अभियान जो चल रहा है वो संकल्प तो पूरे प्रदेश के लिए संकल्प है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बागली के कार्यकर्ताओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आपका कार्यकर्ता रात दिन एक ही दिखता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीवन को, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि संगठन के निर्देश है, संगठन का निर्णय है, उस संगठन के निर्देश का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ता एक साथ सामूहिक रूप से सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। सामूहिक चर्चा करके सामाजिक समरसता के भाव के साथ यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत के साथ बागली विधानसभा को जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 5वीं बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री के जो जीत के द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 की शुरुआत अभी की गई है, क्या लगता है इससे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की के रास्ते पर। आप 2003 के पीछे चले जाओ तो 2003 के पहले की स्थिति क्या थी और आज 18 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जिस क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया, कोई वर्ग ऐसा नहीं कि जिस वर्ग का हमने विकास नहीं किया, सभी वर्गों को गरीबों की जन कल्याण योजनाओं का लाभ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।